चले शाबाश। सबसे पहले हम क्लीन एंड प्रेस करेंगे, दोनों बॉटल्स आपके हाथ में होंगी। आप लोग बिल्कुल सिंपल सी आपकी टांगें, जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, आपके शोल्डर के बिल्कुल बराबर इतनी ही खुली हों, और आप अपनी बोतल के साथ वन शाबाश टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन शाबाश, टेन मोर, टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन शाबाश। इजी वॉक, इस डंबल के साथ ही आपने जंप करने हैं, बिल्कुल भी डंबल नहीं छोड़ने। गुड, ऐसे पकड़ने इसको। अगर आपके हाथ में कुछ और चीज है नंबर्स के अलावा तो उसका भी कोई इश्यू नहीं है, आप इसको इस तरह करके होल्ड कर सकते हैं। शाबाश, चलें स्टार्ट करें। वन टू थ्री फोर, 20 करेंगे, फाइव सिक्स बिल्कुल स्लो, सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन और ये 20। शाबाश, इधर से ही आपने जैसे रकू में जाते हैं बिल्कुल हल्का सा बेंड हो जाना है, कमर बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, एल्बो पीछे की तरफ स्टैंड कर देनी है। ओके, किक बैक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, हाथ बिल्कुल खोलने हैं, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। शाबाश, इजी वॉक करें, हाथ इधर रखें और जंप के साथ मूव 50 करने हैं, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 50 10 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, done. Very nice. शाबाश, हाथ इस तरह क्लोज कर लें और लेटर राइज। 1, देखिए जरा, 2, हल्की सी बेंडिंग होनी चाहिए हाथों में, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखने, हल्का सा बेंड हो, बिल्कुल स्लाइड सा। 3, 4, 5, 6, सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है उन लोगों के लिए, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो ये बोलते हैं कि हम बैठे रहते हैं और हमारे कंधे खींचे जाते हैं।
ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है उन लोगों के लिए, और इंशाल्लाह ताला ऐसे करने से चाहे वो खाली हाथ भी कर लें तो उनके जो शोल्डर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और इतना जो है उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। चाबा जी आपने लेटर राइज किया, ठीक है, आपने अपने हाथ में ही रखने हैं डंबल्स, इसी तरह सिंगल सिंगल आपका हैंड में रहेगा ये इस तरह, वन टू सामने बिल्कुल, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन साइड क्लीन, टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जंप। शाबाश, मूवमेंट करें आपकी डंबल्स के साथ। अब हम करेंगे शोल्डर प्रेस, हाथों को इधर रखें बिल्कुल सामने, ये जो आपका हाथ है बिल्कुल सामने होना चाहिए, ओके, ऐसे गुड, सामने शोल्डर प्रेस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फाइव मोर फाइव फोर थ्री टू वन, वेरी नाइस। काफ़ी लोग आ गए हैं माशाल्लाह, चलें जी शाबाश। अब आपने हल्का सा बेंट होना है, हाथ बिल्कुल सीधे रखने हैं, बिल्कुल सीधे सामने, और यहां तक हाथों को उठाना है आपने वेट के साथ, ओके स्टार्ट जी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फाइव मोर फाइव फोर थ्री टू वन, वेरी नाइस। ओसो सब लोगों ने मुकम्मल कर लिया होगा, मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग काउंटिंग में चीटिंग ना किया करें। हाँ, वैसे आप बेशक चीटिंग कर लें, किसी दीवार का सहारा ले लें, किसी चीज़ का सहारा ले लें, बैठ के कर लें, लेकिन काउंटिंग में जो है वो चीटिंग ना किया करें। अब हमने करने हैं लंजेस, स्टेप फॉरवर्ड करेंगे और उसके साथ हम लोग करेंगे श्रग्स, ओके, क्योंकि हमारी आज फंक्शनल एक्सरसाइज है, एक टाइम में दो दो तीन तीन एक्सरसाइज हम मिला के करेंगे। वन, ये मैं साइड से भी आपको करके दिखाता हूँ, यस टू शाबाश थ्री फोर फाइव सिक्स शाबाश, जिन लोगों से नहीं होता दीवार का सहारा ले लें, कोई बात नहीं डंबल छोड़ दें, सेवन इसको दोबारा ट्वेंटी टाइम लहजा कर लें, एट नाइन टेन, इसी तरह टेन दूसरी साइड पर, राइट लेग थी पहले मेरी, अब मैं लेफ्ट लेग यूज कर रहा हूं, वन टू थ्री फोर
अब आज साइड पर भी दिखाता हूँ आपको, 5 6 7 8 शाबाश, दो रह गए, 9 और ये 10। वेल डन, होप सो आप सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। जिन लोगों के रहते हैं वो मुकम्मल करें। चौधरी शुएब वेलकम, आप भी वर्कआउट कर रहे हैं, वेरी नाइस। हाँ जी इजाज साहब कर रहे हैं, शिरोज सिक्का साहब कर रहे हैं, शिरोज सिक्का वर्कआउट नहीं छोड़ना, शाबाश। नहीं नहीं, अब हम करेंगे फ्रंट राइज। अपनी थाइस के ऊपर सामने रख लें और फ्रंट राइज करें। ले शाबाश, 3 4 इस साइड से भी आपको दिखा देता हूँ, 5 6 बिल्कुल अपनी नोज के बराबर इसको ऐसे लिख रहा है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 शाबाश। 30 पूरे करने हैं, 22 23 4 5 6 7 8 9 और ये 10। वेरी गुड, हाँ जी मुकम्मल, शाबाश। ले जी अब हम इसको चेंज करेंगे, अगेन सामने टांगे खोल लेंगे जैसे हम सोमो स्क्वाट में खोलते हैं, ठीक है, और डंबल्स को आपस में मिलाकर नीचे से ऊपर की, 1 शाबाश, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें स्क्वाट भी करनी है आपने, नीचे भी आना, ठीक है, कुछ लोग ऐसे बिल्कुल कर रहे हैं बेंडिंग में, नहीं 11, तभी आप कि जो जो ये चेस्ट है बिल्कुल सामने नजर आनी चाहिए, ये देखें 11 12 नीचे जाएंगे फिर झुकेंगे आप, 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। शाबाश, टांगे क्लोज कर लें, दोनों डंबल्स या जो आपके हाथ में वेट है बिल्कुल सामने और साइड्स बिल्कुल दोनों साइड पर, 50 टाइम करेंगे, शाबाश, 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और ये डन। शाबाश, डन हो गया सब लोगों का, वेरी नाइस। इन दोनों को मिलाएं आपस में, डंबल्स को या जो भी आपके हाथ में वेट है, और अपने सर से पीछे की तरफ ले जाए इसको यहां पर, ओके, और एल्बो जो है अपने ऊपर इसी तरह स्टैंड कर लेनी है, एल्बोस दोनों और मूवमेंट करनी है ऊपर की तरफ, बस 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. शाबाश, होप सो सब लोगों ने मुकम्मल कर लिया होगा। अब हम दोबारा फिर जंप करेंगे और वो 50 डंबल्स के साथ 1 2 3। अब डंबल रख लेंगे हम इस तरह बिल्कुल सामने, ये देख रहे हैं मेरे हाथ बिल्कुल सामने, एल्बो मेरी आगे की तरफ निकली हुई है, ठीक है। अब जब मैं स्क्वाट करूंगा सेम इसी तरह पाँव आपने रखने हैं सामने, और ये जो आपकी एल्बो है और जो नीज है ये आपस में टच होंगी, जैसी टच होंगी वैसे ही आपने उठ जाना है। मुझे देखें जरा गौर से, ये जैसी टच होगी ये दोनों आपस में और हमने उठ जाना है। 1 शाबाश, ऐसे ही आपने 20 करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 शाबाश। 16 मुकम्मल करने हैं, जिन लोगों से नहीं होता वो चाहे डंबल यूज ना करें। 18 19 और ये 20 शाबाश। हाँ जी माशाल्लाह काफ़ी लोग हमारे साथ हैं और ये वर्कआउट भी करते हैं और डेली की रिपोर्ट भी मुझे सेंड करते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। और ले जी जमीन पर रख लेंगे अपने अपने दोनों डंबल या जो भी आपके पास वेट है रख लिया जमीन के ऊपर। ऐसे आपने पुशअप के स्टाइल में आ जाना है, एक हाथ में वजन रखना है दूसरे हाथ पर ये 1 इस तरह। जिन लोगों से ये नहीं होता मैं बार बार उनको बताता हूं, हर वर्कआउट हर बंदे के लिए नहीं होता, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जो हैवी लोग हैं 100+ हैं वो लोग चाहे डंबल का इस्तेमाल ना करें, वो लोग इस तरह पुशअप इस स्टाइल में बेशक ना आए वो घुटने लगा लें, जैसे ये घुटने लगाए और ये बस वो इतनी मूवमेंट कर लें कि उनकी मूवमेंट हो जानी है। और जो लोग स्मार्ट हैं जो लोग कर सकते हैं वो मुकम्मल मूवमेंट करेंगे बिल्कुल पुशअप के स्टाइल में घुटने उठाकर। 1 2 3 4 5 6 7 शाबाश, होप सो आप लोगों ने मुकम्मल कर लिया होगा। इसके साथ ही अब हम सेम इसी तरह डंबल हमारे किधर रहेंगे और हम लोग इसी के साथ ही बर्पीस करेंगे। बर्पीस कैसे करनी है, डंबल पांव पीछे आगे डंबल उठा के ये ओके 20 करेंगे शाबाश। जिन लोगों से नहीं होता मैंने उनको बताया हुआ है वो अपने घुटने यूज कर सकते हैं, वो लोग डंबल के बिना भी कर सकते हैं, लेकिन 20 पूरे करने हैं शाबाश। 2 3 4 5 6 7
एट नाइन टेन। शाबाश टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन मोर और ये लास्ट है डन। पानी की ब्रेक है, जिन लोगों ने पानी पीना है वो पानी पी लें और पानी अपनी बॉटल्स में से ना पिएं क्योंकि वेट कम हो जाएगा। ओके, वैसे पानी पी लें। शाबाश, 30 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स मोर, आ जाएं वापस। चलें जी, पेट की थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लें। अपने दोनों बॉटल्स को इस तरह सामने खड़ी कर लें। शाबाश, अपनी दोनों टांगें आपने उठानी है और उसके दोनों साइडों पर ऐसे, ठीक है, दोनों साइडों पर मूव करनी है, दोनों टांगों को उठाना। जिन लोगों से नहीं होता वो सिंगल सिंगल लेग कर लें, कोई इशू नहीं है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। गुड डन जी। बॉटल्स अपने हाथ में पकड़ें, आपने इसी तरह बॉटल्स के साथ आना, पहले सिंगल एक साइड फिर वापस आना फिर दूसरी साइड, 20 करने हैं। शाबाश, वन टू थ्री थोड़ा सा ट्विस्ट करके फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन मोर टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। डन हो गया जी। ओके, जिनसे नहीं हुआ वो मुकम्मल करें। दोनों बॉटल्स के सर के ऊपर से पकड़ लें। ओके, थोड़ा सा घुटने उठा लें अपनी बॉडी से और इनको वन टू थ्री ट्विस्ट करें, दोनों साइड पर जमीन पर हल्का सा टच करके लेकर आए। फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। हो गया जी, शाबाश, मुकम्मल करें सब लोग। डन, वेरी नाइस। सिंगल बॉटल पकड़नी है आपने, डबल बॉटल नहीं पकड़नी।
ये बॉटल को छोड़ देना और आप लोगों ने क्या करना है, इसको अपनी टांगों के नीचे से मूव करना है। आप लोग चाहे कम कर लें, स्लो स्पीड में कर लें, एक एक करके कर लें, कोई इशू नहीं है। आप लोग 20 करें, मैं आपके 20 का इंतजार करता हूं। Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, done. हाँ जी, हो गया मुकम्मल सब लोगों का। Very nice. अब हम खत्म की तरफ आ रहे हैं वर्कआउट खत्म करने के लिए। नो वीडियो मीन्स अब शाबाश ले जी, इजी वॉक कर लें। क्लीन एंड प्रेस करेंगे, 30 करेंगे इस बार 30, क्योंकि हम खत्म कर रहे हैं। और हर क्लीन एंड प्रेस के साथ, हर क्लीन एंड प्रेस के साथ हम लोग 10-10 जो है हाई नीज करेंगे, ताकि हम इसको विद हाई कार्डियो के साथ जो है खत्म कर सकें। शाबाश। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वापस 2, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 शाबाश। 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 6, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 7, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 7, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 शाबाश। 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 9, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 शाबाश। 20 रह गए। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 शाबाश। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रहा है, कोई बात नहीं, वो पानी पिए, पानी पी के दोबारा फिर ज्वाइन करें। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमने रेपिटिशन में कोई चीटिंग नहीं करनी। 13, 1, 2 शाबाश। 14 शाबाश। 15 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हाफ हो गया, हाफ रह गया। 16 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 17 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 18 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 19 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 शाबाश। 10 रह गए, शाबाश। 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 6
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Five more. Five. One, two, three, four, five, six, seven, nine, ten. Four. One, two, three, four, five, six, eight, nine, ten. Three. One, two, three, four, five, seven, eight, nine, ten. Two. One, two, three, four, five, six, nine, ten. One more. Aur ye. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, done. लें जी, आज का हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा ये वर्कआउट आप लोग कमेंट्स में बताएं, या फिर हमारा जो ये पेज है इसमें रिव्यू का ऑप्शन है, उधर लाजमी रिव्यू करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा वर्कआउट कैसा लग रहा है और आपको की बॉडी में कुछ चेंज आ रहा है। जो आपकी बॉडी में चेंज आ रहा है वो भी आप लाजमी रिव्यू करें, और रिव्यू करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, कुछ बताएंगे, कमेंट्स करेंगे तो हमारी वीडियो में मज़ीद बेहतरी आएगी। जिन लोगों से वर्कआउट नहीं होता, जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है वर्कआउट करने में, या ये वर्कआउट मुश्किल लगता है, वो भी लाजमी कमेंट करें ताकि हम उसके वर्कआउट को मज़ीद आसान बनाएं, ताकि मज़ीद जो है वो इजीली जो है वो वर्कआउट कर सके। आज का वर्कआउट ख़त्म हुआ है जी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आपका अपना कोच, आपका ट्रेनर बिलाल कमोका फिटनेस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।